तो भाई सारे मुर्गे खोल दिए हैं। आज मैंने सुबह ब्लॉग चालू नहीं करा, मैंने कहा सेम चीज़ दिखाता हूँ ना आपको। तो फिलहाल अभी सारे बच्चे भी खुले हुए हैं नीचे, ठीक है। वो सामने बड़े वाले खुले हुए हैं, मार्शल अंदर है, अभी इसको निकाल देते हैं बाहर। वो सामने खड़ा हुआ है अपना लाइगर, ठीक है। आज इसकी वजह थी, कल सुल्तान खुला हुआ था ना, आपको पता है, जैसे कि उससे एक दिन पहले मार्शल और वो खुला हुआ था अपना माइकल। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी 11 ही बजे, इसलिए गुड मॉर्निंग ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं हुआ कि आप लोग सोचोगे भाई अभी बोल रहा था कि सुबह नहीं दिखाया। तो बाकी फ़िलहाल ना अभी यार हम लोग ये चीज़ बंद कर रहे हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ से यार मुर्गियाँ अंदर आ जाती है अपनी वो, ठीक है। सबसे बड़े बच्चों वाली जो है ना, तीन बच्चे हैं जिसके नीचे अपने चीते के, तो वो ना अंदर आके फिर झगड़ने लग जाती है। अभी फिर से झगड़ के उसकी आँखें बंद हुई पड़ी हैं, तो यहाँ से पहले बंद कर रहे हैं वरना यहाँ से निकल आते हैं। तो भाई बच्चे निकले अपने क्वीन के 5, एक अंडे में से और निकल रहा था पर मुर्गी उठ रही है, बैठ नहीं रही अंडे पे। तो वो अंडा ना हमने अभी फ़िलहाल जो अपनी दूसरी चिट्टी मुर्गी है ना उसके नीचे रखा हुआ है, जैसे ही बच्चा निकल जाएगा उठा के इसके नीचे कर देंगे, ठीक है। निकलने ही वाला था, टक लगा हुआ था, मतलब शाम तक निकल आएगा। बाकी आपको दिखाता हूँ बच्चे जाके। तो सुल्तान खुला हुआ है अपना, देखो खुश हो गया हमें देख के। हाँ भाई, लो लो लो, ये भी मस्तियाँ करने शुरू हो गया भाई। सुल्तान भी अपना देख लो, इसे तो हमने लगाया नहीं, खुद ही शुरू हो गया। तो ये रहे अपने पिड्डू 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 पिड्डू, सूरज ये रहे अपने पिड्डू पिड्डू पिड्डू, चेक करो भाई पिड्डू पिड्डू। हाँ तेरी है, ये आगे से आके देख रही है बच्चों को। हाँ पानी रखा था, पानी पी भी लिया था बच्चों ने, अभी गन डाल दिया उसमें और चावल रखे हुए थे भाई। 5 ही हैं बच्चे हैं, जो एक और बच्चा था वो नहीं निकला, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा, 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 ठीकर हैं, 3 ताज हैं, तो बहुत सही है भाई। इस बार ताज बच्चे निकले, वरना ताज नहीं निकलते। वापस से पानी रख देता इनको, और 2 ठीकर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बच्चे देखो भाई पानी पीना शुरू कर दिया बच्चों ने, ये देखो पहले भी पी रहा था, अभी भी। ये दोनों ही ठीकर है मेरे ख्याल से, ये तो ठीकर है, ये देखो एक ये वाला ठीकर है। फाइनली यार अपनी क्वीन ने ना, बाकी मैं था फाइनली अपनी क्वीन ने भाई ताज बच्चे बना दिए, जो कि वो पहले बनाती नहीं थी। एक बार ही निकला था, तब भी एक ही निकला था, इस बार 3-3 बच्चे निकले ताज भाई। तो ये रहा माइकल, तो अभी ये खुला हुआ है, बाकी सबका हो गया, बाकी सबका हो गया। ये रहा माइकल, देखो कहाँ जा रहा है वो, नीचे जाने की फिराद में रहता है ये, कर रहे हो तो धूप लग रही है इसको, पल्ले खोल के खड़ा हो गया। अब मुर्गी खुजा रही है, तो भाई थोड़े दिन के अंदर ना सारे खुड्डों में मेरे को बोटेक्स मारनी है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है। बीटे थी ना इनकी, तो वो भी निकालनी है, उसके जैसे कीड़े बन रहे होंगे, मतलब जुआ बन रही होंगी ना। तो बाकी इनको नहला के फिर पाउडर लगा के फिर सारे खुड्डों में दवाई छिड़क देंगे, ताकि ये थोड़े अच्छे से रह पाए। गाइस चावल लेके जा रहा हूँ न्यू बॉर्न बच्चों के लिए, और जो नीचे है ठीक है उनको भी एग डाल दिया। सुबह एग नहीं डाला अब, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गया, अब तो सोचा ना तो शाम को एग डाला करेंगे, सुबह नहीं। तो अभी चावल डालते हैं नए वालों को, और जो पुराने हैं उनको डाल दिया एग। ठीक है, इसको बेंच में भी यही बोल रहे हैं कि गब्बर को अकेला रखो, तो अपन गब्बर को अकेला ही रखेंगे। बाकी यार इसकी आदत नहीं जाने वाली है, देखो क्या कर रहा है, देख रहे हो। तो इसको तो भाई खाना खिलाने के लिए भी ना साथ में खड़ा रहना पड़ता है, वरना सीधा जाता है और जाली में बचता है भाई, जिसमें दूसरे मुर्गे होते हैं ना उसको देखता सीधा जाता है ये। तो चल 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 खा ले, कुछ नहीं होता। तो अब जैसे मैं बोला था इसको अकेला ही रखेंगे, क्योंकि इसकी एयर कंडीशन देखो कैसी हो रखी है। इसको मतलब फिर से वापस से खूबसूरत बनाएंगे अपन अपने गब्बर को। तो भाई बच्चों को रख दिया मैंने गुड़ वाला पानी, और चावल दे दिए पोटे इनके, करवा दिए मैंने फुल। ये देखो ये वाला बच्चा ताज है, वो थोड़ा सा ढीला है, हल्का सा, मतलब वो है ना सबका लास्ट वाला बच्चा ना, मतलब लास्ट में निकला है, बाकी चार ये पड़े हैं उनसे, वो आज निकला था। 2 मर गए, ये भी ताज है। अब शुरू कर दिया भाई सबको खोलना, किस किस की बारी हो चुकी है। लाखे की हो रही है, गब्बर की हो चुकी है, चिट्टू रह गया अपना, और रह गया अपना चोबर, और रह गया अपना
माइकल और चीता बड़ा, बस बस मतलब क्या सारे रहते हैं, कहने का मतलब तो यही है। चिट्टू बाहर हो ना, बस आ जा, जा नेक्स्ट बारी तेरी है। बस इनको जब खोल दो ना, दाना खाने के बाद सीधा जो ये एक दूसरे के जाल के ऊपर बजते हैं ना भाई, उस चक्कर में ये लोग खराब होते रहते हैं। मतलब अब इसकी नॉक सेट हो जाए ना, बस नीचे वाली ना ये साइडें होती है ना जो दोनों साइड की, जैसे ये है ना उंगली है, दोनों साइड है ना वो हो गई, ये सेंटर वाली चीज रहती है इसकी। फिलहाल मैंने ना चूजा भी बंद कर दिया जो अकेला है ना अपना बाजी मादी के साथ, क्योंकि यार वो इसके साथ झगड़ती है, तो उसको बंद कर दिया। तो इसको खाना खिलाना था भी जरूरी, तो मैंने कहा पहले इसको खोलते हैं उसको बाद में। तो फिलहाल ये भी भाई खा रहे हैं दाना, ठीक है, वहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी, नीचे का काम भी अपना ख़त्म हो गया। तो बस डेली रूटीन में यही होता है यार, जितना गर्मी से बचा उतना फ़ायदा। बाजरा इनको अभी फ़िलहाल ऐसे दे रहे हैं, इनको तो छोटे हैं ना क्योंकि, तो और बड़ों को भाई भिगो के दो क्योंकि वो गर्मी मानते हैं, इन्हें तो अभी इतना असर नहीं होगा, बाकी एक्टिव है बच्चे सारे अपने। इसको लेके जाने ऊपर, उससे पहले यार इसको दाना खिला रहा हूँ क्योंकि इसकी आंखें थोड़ी सी ना कम दिखता है ना, इसको मतलब कम खुलती है ना आंखें, तो अभी देखना इसको दिखेगा नहीं देखना, थोड़ा सा दाना हटाऊंगा ना, ये देखो वहीं मार रही है, तो इसको थोड़ा कम दिखता है अब, मतलब आंखें ना इसकी पलकें थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, पलकें ज़्यादा बड़ी हुई पड़ी है इसकी, इसलिए खाला 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 भाई इसको चाहे नीचे खोल दो, इसने कुछ नहीं खा के आना, ठीक है। अभी फ़िलहाल माइकल खुला हुआ है, पानी पी रही है, पानी और मैं भर रहा हूँ दाने में भी, पानी डालना है, फिर से दाना रखा है। इसे देखो मुर्गी के पीछे रहता है बस सारा दिन, मुर्गी मुर्गी मुर्गी, ये नहीं है कि भाई खाना वाना खाएं, अपनी सेहत पे ध्यान दे थोड़ा सा। तो अभी भाई सारे पट्ठों के ना और बच्चे के मतलब हल्का हल्का सा पाउडर लगा दिया नोटिक्स का, क्योंकि इनके भी थोड़ी सी जुएँ हो रखी थी जिसकी वजह से इनको खुजली होती थी, ठीक है, इनको भी लगा दिया। सुल्तान और लाइगर के तो पहले ही लगा दिया था हमने, अभी उनके नहीं है क्योंकि यार सारे खुड्डे साफ़ होने वाले हैं ना, बीठे हैं सर्दियों के बाद, हमने अभी तक साफ़ नहीं करी, कल हम सुबह उठ के पहले यही काम करेंगे, खुड्डों की सफाई, सारे खुड्डों की सफाई कर देंगे कल। तो फिलहाल भाई बच्चों ने तो दाना खा लिया, तो इसको मैंने बाजरा रख दिया है, ठीक है, चावल इतने खा नहीं रही है तो बाजरा, ये देखो क्या कर रही है, तो जल्दी से बाजरा खा ले फिर इसको कर देते हैं बंद। देखो कैसे चढ़ के खड़ा हुआ है, दाना वाना कुछ खाया नहीं है, बस ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है, नीचे देख रहा है, अभी तक नीचे ही देखी जा रहा है मुर्गियों को। बाकी तो ये था अपना आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे माइकल चल, चाल दिखा दे तेरी, क्या लग रहा है भाई देखो।